इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। निर्भया केस से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर है, डेथ वारंट पर आज फैसला नहीं होगा, यह बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 7 जनवरी को अब इस मामले में अगली सुनवाई होगी, पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई है जिस पर अब 7 जनवरी को अगली सुनवाई मुकर्रर की गई। किसी तरह से भागते भागते आप देख रहे हैं, आप लोग भी भाग रहे हैं, भागते भागते यहां पहुंचे हैं। अब यहां पहुंचने के बाद उसमें यहां की कोर्ट ने इस केस की सुनवाई अगले साल 7 जनवरी के लिए निश्चित किया। चारों का स्टेटस बताइए, क्या प्ली का स्टेटस है अभी तक, क्योंकि प्ली को लेकर के ही कंफ्यूजन। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, डेथ वारंट पर आज कोई फैसला नहीं होगा क्योंकि 7 जनवरी के लिए तारीख अब इसकी निश्चित कर दी गई है। निर्भया केस से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, डेथ वारंट पर आज कोई फैसला नहीं होगा। पटियाला हाउस कोर्ट में डेथ वारंट पर आज सुनवाई होनी थी लेकिन यह सुनवाई टल गई है, वह अगली सुनवाई 7 जनवरी को होगी। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, पटियाला हाउस कोर्ट में आज डेथ वारंट पर होने वाली सुनवाई टल गई है। चारों आरोपियों की डेथ वारंट पर आज यह संभव था कि फैसला पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से सुनाया जाए लेकिन यह सुनवाई टल गई और अब 7 जनवरी को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। निर्भया केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डेथ वारंट पर आज फैसला नहीं होगा, इस वक्त की बड़ी खबर है। अब 7 जनवरी को डेथ वारंट पर अगली सुनवाई होनी है। इससे पहले आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में भी अक्षय की जो पुनर्विचार याचिका था उसको खारिज कर दिया गया था और इसके बाद अब निगाहें इस पर थी कि पटियाला हाउस कोर्ट डेथ वारंट को लेकर के आज कोई फैसला सुनाता है या फिर नहीं, लेकिन जानकारी यह है कि आप ये सुनवाई टल गई है, 7 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, हालांकि निर्भया की मां रो पड़ी हैं कोर्ट के अंदर ही और 1 साल से चक्कर लगा रहे हैं हम लोग कोर्ट के, ये बात भी उनकी तरफ से कही गई है। कोर्ट रूम में ही निर्भया की मां रोने भी लगी है, 1 साल से हम भटक रहे हैं, निर्भया की मां की तरफ से भी ये कहा गया। लेकिन पटियाला हाउस कोर्ट में फिलहाल जानकारी ये कि आज सुनवाई टल गई है, अब 7 जनवरी को इस मामले की सुनवाई होगी और आरोपियों को जेल प्रशासन की तरफ से भी जो आदेश है वो देने की बात कही गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, डेथ वारंट पर हालांकि आज फैसला नहीं होगा, इस वक्त की बड़ी खबर है, 7 जनवरी को आप अगली सुनवाई होगी। चारों दोषियों को नोटिस जेल प्रशासन जारी करे, कोर्ट ने यह कहा है। अब 7 जनवरी को सभी दोषियों की पेशी होगी, पटियाला हाउस कोर्ट में डेथ वारंट पर अब 7 जनवरी को इस मामले में पेशी के दौरान सुनवाई होगी, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लेकिन अहम यह है कि निर्भया की मां चूंकि खुद मौजूद थी कोर्ट के अंदर और 1 साल से हम भटक, तो बड़ी और अहम जानकारी आपको लगातार बता रहे हैं, हालांकि अभी कोर्ट के बाहर वकील मौजूद हैं, वो क्या कुछ बोलेंगे ये भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन दीपक हमारे सहयोगी चुके हमारे साथ मौजूद हैं, दीपक ये बताएं बड़ी जानकारी आ रही है, अब 7 जनवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी। बात की जाए तो आज सुनवाई होनी थी डेथ वारंट को लेकर के, डेथ वारंट को लेकर उन 4 दोषियों के जिनका इंतजार 7 साल से किया जा रहा है, हालांकि फांसी की सजा तो सुना दी गई थी लेकिन उसके बाद से भी अगर बात की जाए 2017 उसके बाद से भी अभी तक इंतजार था कि आखिरकार फांसी कब होगी इन 4 दोषियों की अगर बात की जाए तो। उसके बाद पुनर्विचार याचिका लगाई गई सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने भी आज अगर बात की जाए तो उसको खारिज कर दिया, पुनर्विचार करने पर उससे इनकार कर दिया। उसके बाद अब पटियाला हाउस कोर्ट के ऊपर नजर थी, पटियाला हाउस कोर्ट जहां पर पीड़ित परिवार ने जो याचिका लगाई थी कि इनका डेथ वारंट आखिर कब जारी किया जाएगा, क्यों नहीं इन दोषियों को जो सजा सुनाई गई फांसी की वो दी जाती, लेकिन आज की अगर बात की जाए तो वो सुनवाई जो है फिलहाल टाल दी गई है, 7 जनवरी तक का समय दिया गया, 7 जनवरी को अगली सुनवाई होगी अगर बात की जाए तो, उसी दिन आदेश भी सुनाया जा सकता है अगला। तो डेथ वारंट को लेकर के आज जो पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई थी फिलहाल वो आज चल गई है, 7 जनवरी को अगली सुनवाई में, या यूं कह सकते हैं कि उन 4 जो दोषी हैं उनको अभी 7 जनवरी तक का समय। लेकिन इस बीच एक और बात हो रहा है कि उसमें ज्योति मुकेश के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कई बात की जाएगी, इसके अलावा कोर्ट के द्वारा चारों को नोटिस जो है वो जारी किया जाएगा, उनसे जवाब तलब किया जाएगा इस पूरे मामले को लेकर के। उसके बाद 7 जनवरी को इस मामले पर
अगली सुनवाई होनी है 7 जनवरी से 7 जनवरी तक के लिए जो है ये सुनवाई फिलहाल जो है टाल दी गई है जी। बिल्कुल दीपक जो है बिल्कुल दीपक थोड़ा सा ये भी बताएं कि अब ये सुनवाई जो है वो टाली गई है 7 तारीख तक के लिए। इसका जो समय है वो अब निर्धारित किया गया है, 7 तारीख को सुनवाई होगी, देखते हैं कि उस दिन क्या होता है। लेकिन इन सबके बीच में निर्भया की मां चूंकि खुद पटियाला हाउस कोर्ट में मौजूद थी, वो रो भी पड़ी है, वो ये भी कह रही थी कि हम 1 साल से भटक रहे हैं, कैसे देख पा रहे हो, क्या कुछ कहा गया निर्भया की मां की तरफ से, इसको भी अपडेट करें। जी बिल्कुल, निर्भया की मां ने आज कोर्ट में भी ये बात कही कि आखिर तारीख ही तारीख मिल रही है, लेकिन अभी तक उनको उनका कहना है कि सजा नहीं दी गई है, अभी तक जो सजा सुनाई गई है वो सजा मिली नहीं है उनको। इस बात को लेकर उन्होंने कहा कि पहले इस मामले में अगर बात की जाए तो जब वो लगातार उन्होंने कोर्ट में उन्होंने याचिका लगाई इस मामले में डेथ वारंट को लेकर के, लंबा समय लगा सबसे पहले इस मामले में सुनवाई को लेकर के, फिर सुप्रीम कोर्ट से जब इस मामले में अगर बात की जाए तो जब फांसी की बात हो तो पुनर्विचार याचिका लग गई। उन्होंने कहा कि जब पुनर्विचार याचिका लग गई तो इस बीच इन्होंने भी डेथ वारंट को लेकर याचिका लगाई थी, लेकिन पुनर्विचार याचिका के कारण उनकी सुनवाई पटियाला हाउस कोर्ट में नहीं हुई। और आज जब पटियाला सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया तो इनके पटियाला हाउस कोर्ट से उम्मीद थी, लेकिन वहां से भी क्योंकि अब 7 जनवरी तक का समय मिल गया तो ऐसे में उनकी मां का कहना है अभी तक अगर बात की जाए तो वहां पर अक्षय ने पुनर्विचार याचिका लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में, ऐसे में अब आगे मुकेश या कोई और, क्योंकि 4 दोषियों में से कोई और पुनर्विचार याचिका लगाता है तो पटियाला हाउस कोर्ट ऐसे कैसे काम चलेगा, किस तरीके से आगे उस पर सुनवाई करेगा, क्यों नहीं आखिरकार जो सजा सुनाई गई है उस पर डेथ वारंट की तारीख तय की जाती, इस बात को लेकर के यहाँ पर उनकी मां रो पड़ी और उन्होंने अपनी बात जो है वहां पर कोर्ट रूम में भी रखी है। लेकिन फिलहाल क्योंकि उन चारों से ही दोषियों से जवाब मांगा जाना है, कोर्ट की तरफ से एक वारंट जारी करके चारों से जवाब मांगा जाएगा, इसलिए 7 जनवरी तक की जो अगली तारीख है सुनवाई है वो टाल दी गई है और 7 जनवरी को अगली जो इस मामले में सुनवाई होगी, उम्मीद है सभी को कि शायद उस दिन जो डेथ वारंट है उस पर अगला आदेश कोर्ट के द्वारा जारी किया जाएगा। जी बिल्कुल दीपक, ये भी बताएं क्योंकि अब चारों जो आरोपी है उनको कोर्ट की तरफ से भी अब ये कहा गया है कि जेल प्रशासन उनको नोटिस जारी कर दे, चारों आरोपियों की पेशी भी होनी है, इसको भी और किस प्रकार से देख पा रहे हो, क्या ये उम्मीद की जाए कि 7 तारीख को जो डेथ वारंट है उस पर कोई अहम फैसला सुना सकता है पटियाला हाउस कोर्ट? चलिए हमारा संपर्क टूट गया, हम कोशिश करेंगे दोबारा दीपक से बातचीत करने के, लेकिन बड़ी जानकारी आपको लगातार बता रहे हैं, डेथ वारंट पर आज फैसला नहीं होगा, 7 जनवरी को डेथ वारंट पर अब अगली सुनवाई होनी है पटियाला हाउस कोर्ट पर। निगाहें लगातार लगी हुई थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अक्षय की जो पुनर्विचार याचिका थी उसको खारिज किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और उसके बाद भी आपने सुना था कि निर्भया की मां और जो उनके पिता थे उन्होंने भी ये कहा था कि अब वो फिलहाल राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो निगाह है वो पटियाला हाउस कोर्ट के डेथ वारंट के इस फैसले पर भी लगी हुई है और इसलिए उस समय भी वो जो आशान्वित हैं वो नजर आ रहे थे। लेकिन कोर्ट रूम में आज निर्भया की मां इसलिए रो पड़ी और ये कहते हुए कि 1 साल से हम भटक रहे हैं और अब तक जो तारीख है वो सिर्फ मिल रही है, अब पटियाला हाउस कोर्ट में भी इस मामले की जो सुनवाई है वो टली है, 7 जनवरी तक इस मामले की जो सुनवाई है उसको टाल दिया गया और 7 तारीख को अब इस मामले पर डेथ वारंट को लेकर के जो अगली सुनवाई है वो पटियाला हाउस कोर्ट में होगी।